गोविंदा हाल ही में कपिल शर्मा के नेटफ्लिक्स कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो के सीजन 2 में नजर आए थे। इस दौरान उनके साथ चंकी पांडे और शक्ति कपूर भी थे। शो के दौरान कृष्णा अभिषेक और गोविंदा की मस्ती भी देखने को मिली। 7 साल बाद दोनों ने अपने बीच मतभेद को भुलाकर एक दूसरे को गले भी लगाया। वहीं शो में गोविंदा ने खुलासा किया कि जब उन्होंने खुद को गलती से गोली मार ली थी तो कृष्णा खूब रोए थे। द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 2 में जैसे ही गोविंदा पहुंचते हैं तो कृष्णा उन्हें देख खुश हो जाते हैं और गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि सालों बाद मिले हैं, आज नहीं छोड़ूंगा। दोनों ने इसके बाद डांस किया साथ में और मस्ती भी की। वहीं शो शुरू होने के बाद कृष्णा चंकी पांडे को लेकर मजाक करते हैं। कृष्णा बोलते हैं कि एक दिन मैं चिकन बिरयानी बना रहा था और उसमें डालने के लिए मेरे पास इलायची नहीं थी। मैं इलायची मांगने के लिए उनके पास गया तो उन्होंने मुझे 2 इलायची दी और 4 लेग पीस ले लिए और इसके बाद उन्होंने वो लेग पीस खाए नहीं बल्कि एक मुर्गी खरीद ली जो अब अंडे देती है और इसे वो 10 रुपए में बेचते हैं। इस पर चंकी हंसते हैं और कहते हैं मैं करोड़पति बन गया हूँ। ये सारी बातें सुनने के बाद गोविंदा बीच में बोलते हैं कि बहुत फालतू बातें कर रहा है। कुछ दिन पहले जब मुझे गोली लगी थी तो ये रो रहा था और अब लेग पीस पर चुटकुले सुना रहा है, बहुत चालाक है। आपको बता दें कि अक्टूबर 2024 में गोविंदा ने गलती से अपने पैर में अपनी ही रिवॉल्वर से गोली मार ली थी जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद अब उनके बीच मतभेद पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं। फिलहाल आप इस खबर पर क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।